नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंगल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली एंड नोएडा से। आज हम बात कर रहे हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, एक बढ़ता हुआ एपिडेमिक। अगर हम सिंपल बात बोलें तो सिंपल बात है मोटापा। जब चर्बी लिवर के अंदर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक, यानी कि बिना ड्रिंक या अल्कोहल का सेवन करे जब फैटी लिवर होने लग जाता है, इसको हम फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। फैट लिवर के अंदर एक इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, यानी कि उसको इन्फ्लेम करता है, जिसकी वजह से स्टीटोहेपेटाइटिस यानी कि लिवर इन्फ्लेम होने लग जाता है। ये प्रॉब्लम एक दिन में कोई लक्षण नहीं देगी, दो दिन में भी नहीं देगी, कुछ सालों में भी नहीं देगी, लेकिन अगर फैटी लिवर बहुत लंबे समय तक मेंटेन रहे तो धीरे धीरे लिवर सिरोटिक होने लगता है, यानी कि लिवर श्रिंक होकर वो कैंसरस प्रोसेस में तब्दील होना शुरू हो सकता है। लिवर कैंसर का एक प्रमुख कारण आज से कुछ साल पहले तक था अल्कोहलिज्म, यानी कि शराब का सेवन करना। ये कारण तो जहां था वहीं की वहीं मेंटेन है, और दूसरे प्रमुख कारण थे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। लेकिन लास्ट 10 सालों में नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस यानी कि फैटी लिवर 20-25% लिवर कैंसर का कारण बन रहा है, और ये आने वाले समय में शायद और मेजर लिवर कैंसर का कारण बन जाएगा। ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का क्योंकि इलाज अब सक्षम है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन है और हेपेटाइटिस सी का इलाज हो सकता है, ये सब कारण कम होने लग गए हैं। बट नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस यानी कि लिवर कैंसर का इंसिडेंस लेकिन कम नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस का इंसिडेंस और उसके लक्षण बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मोटापे को सीरियसली लें। अक्सर हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसके अंदर फैटी लिवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 आता है, और उसको हम बड़ी आसानी से टाल मटोल कर देते हैं ये कहकर कि ये तो नॉर्थ इंडिया में सभी लोगों में होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको इसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए, इसको समझना चाहिए और अपनी जीवन शैली को चेंज कर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए। हैविंग अ फैटी लिवर इज नॉट अ गुड थिंग। थैंक यू।